हाँ तो कक्षा 5 वाले भैया आपका चैप्टर है व्हेन फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्हेन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम अगले चैप्टर में भिन्नों की संक्रियाएं के बारे में बताएंगे। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, इस विषय पे आज हम आपको बताएंगे। ध्यान रखना आपको मणिश्वर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बिना सब्सक्राइब किए आपको वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। तो सभी भैया कक्षा 5 वाले और कक्षा 6 वाले, ध्यान रखना कक्षा 6 वालों का चैप्टर भी यही। तो कक्षा 5 वाले भिन्न फ्रैक्शन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भिन्न क्या होती हैं, यानी हम किसी बड़े पार्ट के कुछ भाग को दर्शाएंगे तो उसे भिन्न के माध्यम से उसका जो अंश दर्शाएंगे, भाग दर्शाएंगे उसकी उसको और उसके बटे में पूरे भाग को, इस प्रकार से हम भिन्न को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो उसी के आगे आपको वीडियो देखना है। क्या भिन्नों की संक्रिया, भिन्नों की संक्रियाओं में सबसे पहले आता है आपका भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या भिन्नों का जोड़, आपको दो भिन्न दी जाती हैं, किस प्रकार से उनको जोड़ना है इस पे ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भिन्नों का जोड़, ये आपका मान के चलो 1/4 है, दूसरी भिन्न है 2/5। अब आप इसको किस तरीके से जोड़ेंगे इस विषय पे चर्चा करनी है। तो शायद हमने क्लास में भी आपको बताया है लासा और मासा के बारे में, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हारों का लासा लेते हैं। हारों का लासा लेते हैं 4 और 5 का। क्या 4 और 5 का, हमने ये भी बताया था कि यदि दो अलग अलग संख्याएं हो यानी एक सम है विषम है तो उनको क्या करते हैं अपन, उनका गुणा ही उनका लासा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था 4 एकम 4 कर दो, फिर 5 एकम 5, इन दोनों का गुणा कर दो, लासा बराबर 4 और 5 का एलसीएम, यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 5 बराबर 20। तो आपको क्या करना है, नीचे लासा को लिख देना है। इसके बाद प्रत्येक के हर का, पहली वाली भिन्न का हर क्या है, 4 है, 4 का लासा में क्या करना है, भाग देना है, यानी 4 × 5 = 20। कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 बार जाएगा, 5 के ऊपर गुणा कर देंगे, 5 × 1। और जो चिन्ह लगा है, ये नहीं कि यहाँ पे धन लगा है तो अपन धन ही, बस ऋण लगा है, धन ऋण कुछ भी लगा हो वही चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या, धन का चिन्ह लगा है तो धन का चिन्ह लगा दिया। फिर 5 का भाग देंगे, क्या करेंगे, 5 का 20 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 20। तो क्या करेंगे, 4 बार आया, 4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 × 4 = 8, बटे में क्या है 20 है, तो कितना हो गया आप 5 13/20। तो ये हो गया आपका क्या, भिन्नों का जोड़। इसी प्रकार से आप घटाना, यानी केवल चिन्ह बदलना और बाकी यही प्रक्रिया रहती है, पूरी घटाना की भी यही प्रक्रिया रहती है। तो एक उदाहरण हम घटाना का भी आपको बता देते हैं, आपको जहां समझ में ना आए तो आप वीडियो देखेंगे उसमें कमेंट करेंगे और साथ में हमारे नंबर पर कक्षा 5 और 6 वाले भैया फोन लगा करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हम एक संक्रिया घटाना की बता देते हैं आपको कि घटाना किस प्रकार से करना है। तो सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाना या व्युत्क्रम, भिन्नों का घटाना या व्युत्क्रम। तो देखो दो भिन्न दी है 8/15 दी, माइनस दूसरी भिन्न दी है 9/20 दी, ये भिन्न दी हुई है। अपन क्या करेंगे, जैसे हमने अभी योग में बताया है, योग में कि अपन हरों का क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। तो अपन 15 20 का लासा निकालेंगे, क्या करेंगे, 15 20 का लासा निकालेंगे, 15 व 20 का लासा
खुलासा निकालने के लिए हमने आपको बताया है, कक्षा में सिखाए भी है, हूं एसडब्ल्यू भी दिया है आपको, है कि अपन पहली बार सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या को उस संख्या से काटते हैं जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ये आप लोगों को बताया भी था। तो ध्यान देखना है भैया, यहां देखो किससे कट जाएगी, इसमें शून्य है, इसमें पांच है, और विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके अंत में शून्य या पांच हो पांच से कट जाती है, तो अपन क्या करेंगे पांच से इसको काटेंगे, पांच दिया पंद्रह, क्या पांच दिया पंद्रह, पांचों को बीस, अब नहीं कटेगी ना, किसी से नहीं कटेगी, तीन और चार अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे इसका और इनका इनका दोनों का गुणा कर देंगे, यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लासा बराबर पांच गुणे तीन गुणे चार, पांच की पंद्रह और पंद्रह चौको साठ, क्या हो जाएगा लासा कितना हो गया साठ हो गया। अब अपन वही जैसे अभी अपन ने जोड़ में किया है ना, कि पहले हर को नीचे लिख दिया, क्या करेंगे हर को नीचे लिख देंगे, ये आपने लिख दिया, कितना आया लासा, लासा साठ है, उसको नीचे लिख दिया है, फिर क्या करेंगे प्रत्येक जो नीचे लिखा है ना प्रत्येक का इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो पंद्रह का अपन ने भाग दे दिया साठ में, कितनी बार गया चार बार गया, कितनी बार गया चार बार गया, पंद्रह चौको साठ, और जो आया भाग पर कितना आया चार आया, तो चार का आठ के साथ गुणा कर देंगे, हम जैसे योग में बताया था कि जो चिन्ह लगा था हम माइनस के बारे में घटाना कर रहे हैं, तो माइनस का लगा देंगे, अब 20 का भाग देंगे कितने में साठ में, तो कितनी बार जाएगा 20 बीस दूनी चालीस बीती साठ, तीन बार गया, तीन का अपन क्या करेंगे नौ के साथ गुणा कर देंगे, नौ के साथ गुणा कर देंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका चार का आठ के साथ पहाड़ा पड़ो चार बत्तीस माइनस ये कितना हो जाएगा तीन नाम सत्ताईस बटे में कितना है साठ, देखो क्या आ गया बत्तीस में से सत्ताईस गया कितना बचेगा, बत्तीस में से सत्ताईस गया तो कितना बचेगा पांच, कितना बचेगा पांच, सत्ताईस पांच बत्तीस दो पांच बचेगा, ध्यान रखना इसको आप चाहो तो और सरल कर सकते हो, नहीं तो अपन क्या करेंगे इसको आप चाहो तो सरल कर सकते हो, लेकिन कक्षा पांच वाले हो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हैं कि आप इसको और सरल करो, लेकिन ये अपना क्या आ गया घटाना हो गया, तो आपने जोड़ो घटाना को समझ लिया होगा कि क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो भिन्न दी गई हैं उनकी हारों का लासा लेते हैं, जो लासा आता है उसे लाइन खींच के नीचे लिख देते हैं, और फिर प्रत्येक के हर का लासा में भाग देते हैं, जो भाग फल आता है उसको अपन प्रत्येक के अंश से गुणा कर देते हैं, और जो चिन्ह लगा है यदि योग का चिन्ह लगा है तो योग कर देते हैं गुणा के बाद, और घटाना का चिन्ह लगा है तो घटाना कर देते हैं। इस प्रकार से आपने क्या सीख लिया भिन्नों का योग और घटाना, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब अपन बताते हैं गुणा, भिन्नों का क्या गुणा बताते हैं, तो अपन को ये देखना है ध्यान से देखना है, तो सारा ध्यान दोनों से सारा है गुणा और भाग, तो ये आपकी भिन्नों की संख्या हो जाएंगी, क्या है अब भिन्नों का गुणा, क्या है भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों का गुणा। तो देखो इसके लिए हम मान के चलो आपकी ये भिन्न दी है a बटे b दी और गुणा का चिन्ह लगा है c बटे d दिया हुआ है, ये दो भिन्न दी या और भी दी होती तो क्या करेंगे अपन ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये a का c के साथ हो जाएगा और b का d के साथ हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा ac और बटे में BD मिल जाएगा। मान के चलो एक उदाहरण ले लो, ये उदाहरण चार बटे पांच है और गुणे तीन बटे सात, ये देखो हाँ ध्यान रखना यदि कोई कटता हो नीचे वाली संख्या से ऊपर का कटता हो अगर तो अपन क
काट भी देते हैं, भाग जाता है अगर तो भाग भी कह देते हैं, हम उसका एक उदाहरण बताएंगे। पहले इसको देख लो क्या हो जाएगा, चार का तीन के साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, चार तीन बारह, और इसका इसके साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, पांच सात पैंतीस। तो भैया थोड़ा ही ऐसा करना है, समझ गए ना। एक और उदाहरण देख लो, आठ बटे नौ गुणे तीन बटे सोलह गुणे पांच बटे तीन ले लो, ठीक है। अब आपको इनका गुणा करना है, क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो ध्यान से देखो, अब हमने कहा था ना, यदि आपसे नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कर देना और नीचे का नीचे गुणा कर देना। और यदि आपसे अच्छी कैलकुलेशन आती है, हमने बताया अच्छा दुनिया बनता है, तो आप कैसे काटेंगे, देखो जैसे ये आठ दूनी सोलह कट गया ना, इसके बाद देखो तीन तिरका नौ, अब तो नहीं करता कोई, करता है नहीं करता, तो यहाँ के देखो काटने के बाद एक ही काटता है, तो अपन क्या करेंगे, एक गुणे एक, एक ही कम एक, और एक पंचे पांच, फिर नीचे अब कुछ नहीं करता ना एक दूसरे से, तो फिर देखो क्या हो जाएगा, तीन दूनी छह और छह का अठारह, क्या हो जाएगा अठारह। तो आपको ध्यान देना है कि यदि आप ऐसा सरल कर सकते हो तो करो, और नहीं तो यदि समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि अरे हम काट भी कहूं गलत हो जाए, तो पहले ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे को नीचे कर दो, फिर यदि ऊपर में दो संख्या में एक सौ भाग जाते हैं तो दे दो। अब इसी बात हम बताएंगे तुम्हें भिन्नों का भाग, क्या भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, क्या भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चार मुख्य संक्रियाएं हैं गणित की। तो अपन को क्या जानना है, भिन्नों का भाग ध्यान रखना है आपको। आपको वीडियो इसी तरीके से देखने के लिए आपको अपने चैनल महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। यदि आपको अच्छे अच्छे हर आचार्य जी के अपने वीडियो प्राप्त करना, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गणित का हो, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वीडियो लगातार प्राप्त नहीं होंगे। भिन्नों का भाग, तो भिन्नों का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस किस तरीके से करना, बिल्कुल गुणा जैसे, थोड़ा सा अंतर है, एकदम गुणा जैसे है। जैसे हमने उसके लिए बताया था कि ये बटे बी गुणे सी बटे डी बराबर ए सी बटे बी डी, इसी प्रकार से इसको देखना क्या जाएगा भिन्नों का भाग में, भिन्नों के भाग में आपका आ जाएगा, जैसे मान के चलो एक भिन्न है ए बटे बी है, उसके बीच में चिन्ह लगा है भाग का, काहे का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगा है, और उसमें भाग करना है आपको सी बटे डी का। ध्यान रखना यदि किसी संख्या के भी बटे में नहीं है तो एक सबके बटे में रहता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे आपको कहा जाए इस ए के बटे में क्या है, अब नहीं कुछ लिखा है तो फिर आप एक मानेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखो जैसे बी लिखा है तो वो तो लिखा ही है, यदि नहीं लिखा है तो मान लेते। अब देखो इसका भाग करना है, क्या करना है भाग करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बटे बी भाग का, हमने कई बार बताया है कक्षा में, भाग का उल्टा क्या होता है गुणा, जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाना, घटाना का उल्टा क्या होता है जोड़, वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का उल्टा होता है वर्ग। तो अपन को इसको गुणा के रूप में बना लेना है, कैसे बनाना है, गुणा भाग का चिन्ह है, इसका चिन्ह लगाया उल्टा गुणा, और फिर इसका क्या किया, जो अगला वाला इसका भाग देना है ना, अपन ने उसकी हर को अंश में बदल दिया और अंश को हर में बदल दिया, बी बटे सी अब यू गुणा नहीं कर दो, ऊपर को ऊपर गुणा कर दो, नीचे को नीचे गुणा कर दो, बस ई डी और बी सी लो अपनों का हो जाए भिन्नन को भाग हो, चार संक्रियाएं पढ़ लेंगे तुमने, कौन कौन, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग है? तो ध्यान देना है आपको, इस तरीके के सवाल आपके गणित में दिए हैं तो आपको उनको हल करना है, और फोन से भी चार्जी से बात करना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है अपने महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल वेली
वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको इस तरीके के वीडियो सभी आचार्यों के प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।